गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कम विद मी। और मेरे साथ इस वक्त कार में सुबह सुबह जा रहे हैं, पीछे बैठी है दीदी योविका और कैमरा होल्ड किया हुआ है किसने? रूहिका ने। तो आज सुबह कुछ डिफरेंट नाश्ते का मन कर रहा था, सजेस्ट किया मैंने कि हम खाएंगे छोले भटूरे और कुलचा। तो योविका और रूहिका तो खाती हैं छोले भटूरे, इनके लिए दो प्लेट छोले भटूरे लाएंगे, इनके दादू और मम्मा खाएंगे कुलचा और मैं भी टेस्ट करूंगा कुलचा, तो हम खाएंगे कुलचा। तो हम जा रहे हैं छोले भटूरे और कुलचा लेने, और साथ में पीने के लिए क्या लेंगे, हम सबकी फेवरेट लस्सी। यस, तो फ्रेंड्स कल हम गए थे मूवी देखने, आपने उसका वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ऊपर मैंने लिंक दे रखा है, आप वो ज़रूर देखना। रिव्यू दिया है, मूवी का नाम है आदि पुरुष, उसको लेके कुछ कंट्रोवर्सी है, वैसे वो सब्जेक्टिव है कंट्रोवर्सी, अगर आप एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, अच्छी है मूवी, हमने एंजॉय की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पर कंट्रोवर्सी जायज़ भी है। जायज़ इस तरह से कि जो हिंदू धर्म से रिलेटेड हनुमान जी, श्री राम जी और वो जो सारी कथा है उससे छेड़छाड़ की गई है, उसमें कुछ सीन्स जो हैं बहुत आपत्तिजनक हैं, तो वो रिव्यू भी देख लेना आप, कैसे हमने एंजॉय की मूवी। और आज हम जा रहे हैं छोले भटूरे लेने, तो फ्रेंड्स चलते हैं, कम विद मी। चलो कट कर दो। तो इससे पिछला सीन जो था वो रिकॉर्ड कर रही थी रूही का, तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं बना, प्लीज़ इसे अवॉइड करिएगा। तो हम चल रहे हैं अब छोले भटूरे लेने, आइए चल। यह है बाबा जी कैटरर्स, जहाँ से हम लेने लगे हैं छोले भटूरे और कुलचे। तो आप दोनों करो यहाँ पे वेट, मैं लेके आता हूँ। ओके चलो। एसी मैंने ऑन किया है, रूहिका कह रही थी कि एसी ऑन नहीं करना, उसको ठंड लग रही है, और युविका कह रही है उसको क्या लग रही है, गर्मी लग रही है। तो हमने दोनों की बात रखते हुए मीडियम से टेम्परेचर पे एसी को ऑन कर दिया है। मीडियम फुल कर दो गर्मी, थोड़ी देर के लिए फुल कर दें ताकि दीदी की तरफ कर दी, ठीक है, फ्लो जो एसी का फ्लो है दीदी की तरफ कर दिया, ठीक है। अब ठीक हो, कभी भी नाराज हो। तो यहाँ मेरे फ्रेंड बैठते हैं, आज वो नहीं बैठे हुए, अगर वो बैठे होते तो कैमरा वहाँ ले जाते, थोड़ा बात वगैरह करते, कोई और उनके सीनियर पार्टनर है यहाँ पे, वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते नहीं, इसलिए कई बार कुछ लोग कैमरा पे इतने इजीली बात नहीं कर पाते, तो इसलिए अवॉइड किया। तो नाम आपने देख लिया, यहाँ से हम ले रहे हैं छोले भटूरे और कुलचे, यहाँ से ये लेकर फिर हम चलेंगे अपने अगले स्टॉल पे, जहाँ से हम लेंगे हम सबकी फेवरेट
लस्सी। रोहिका और युविका आपकी फेवरेट है। अब इनमें से एक मुझे फिर भूल गया, आप में से लस्सी में मलाई किसको पसंद है किसको नहीं? क्रीम? मुझे पसंद है बहुत। मुझे नहीं पसंद। और रोहिका को बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये ऐसे करती हैं कि जो रोहिका है अपनी क्रीम निकाल के दे देती है दीदी को। तो चलिए पैक हो रहा है हमारा सामान, जैसे ही आता है चलते हैं। कोई प्राइवेट बात चल रही है युविका और रोहिका की। रोहिका ने बोला है कि पापा को नहीं बताना, क्या है हिस्ट्री? हिस्ट्री है, मिस्ट्री बोलना था, हिस्ट्री मिस्ट्री बोलना था। और अब फोन टेढ़ा लग गया, कोई बात नहीं चलने दो। मिस्ट्री बोलना था, बोल रही है हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री मिस्ट्री है पापा से रखी हुई, बता दे। पापा तो तेरे अपने हैं, पापा से थोड़ा मुझे बता क्या बोल। पापा से थोड़ा कोई सीक्रेट रखते हैं पापा, पहले दीदी को बताओ। इसको थोड़ा सीधा करें, देखिए होता तो। हाँ थोड़ा सा हो गया पापा, पहले मैं दीदी को बताऊंगी फिर आपको बताऊंगी। अच्छा चल बता दे पहले दीदी को, दीदी ने मेरे को बता देना है। दीदी को इतना प्यार है पापा से, वो सीक्रेट रखेगी। चल मैं ही आपको बता देती। उस चिल्ला मत, मेरे सभी सब्सक्राइबर बोलेंगे कितना चलाती है। उनको भी बता देना मेरे सब्सक्राइबर ने क्या मिस्ट्री है, बता दे बता दे बेटा, मुझे ही बता दे। फिर धीरे से बता दे दोनों को, धीरे से मुझे ही बता दे। चल लस्सी वाली स्पॉट आने वाली, जल्दी से बता दे फिर। मुझे कभी खिलौना, आज खिलौना लेके दे। क्यों खिलौना चाहिए? पहले तो फोन के बारे में बात कर, ये मिस्ट्री थोड़ा है कि खिलौना। पहले होमवर्क, होमवर्क की बात कर रही थी ना कि होमवर्क कुछ है? नहीं पहले फोन की बात कर रही थी, कुछ फोन। फोन की मिस्ट्री कौन सी थी? रोहिका ने डिसाइड कर लिया है, रोहिका ने डिसाइड कर लिया, पता चल गया। चलो जी युविका को पता चल गया। युविका दीदी बता दे, चल दीदी तू बता दे क्या कह रही थी। मुझे बस गैस किया मैंने। चलो करो गैस, इससे कंफर्म कर लेंगे ना, रोहिका कंफर्म कर देगी कि ये सही की है दीदी ने कि नहीं। कि जो वो वाला फोन है वो हम पापा बेच नहीं रहे, शुक्र है यही बोलना चाहते। थैंक गॉड बोला था। अच्छा जी ये देखो जी, फोन बिक नहीं रहा, एक फोन रहेगा इनके पास होमवर्क के लिए, लेकिन वो होमवर्क के लिए क्या यूज करना है इन्होंने, वो यूज करना इन्होंने गेम्स खेलने के लिए। ये भी कह रही थी कि हम होमवर्क तो करेंगे नहीं, गेम्स खेलेंगे। अगर मुझे लगा कि भी होमवर्क नहीं हो रहा, उस पर सिर्फ गेम्स हो रही है, तो फिर उसका भी इलाज कर देंगे। कौन सा वाला फोन बेच वो रहे हो? फिर मैं अपने फ्रेंड को बोलूंगा कि भी वो फोन भी देना हमने आपको, वो भी ले लो। ठीक है चलो जी, हम पहुंच गए हैं लस्सी वाले स्पॉट पे, यहाँ से लेंगे लस्सी और फिर चलेंगे घर को। आज धूप कम है ना, मौसम अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। ये अंकल को पता है कि हमने क्या चाहिए, है ना? तीन मिठी, तीन मिठिया ते दो घट मिठे वाली पैक कर दो। नहीं आंदे, नहीं आंदे तो गे। वो पूछ रहे थे कि दादू घर पे रहते हैं अब? हाँ मुझे पता है पंजाबी आती है। अच्छा ये तेरा सारा रिकॉर्ड हो रहा है। उन्होंने कहना ये कितनी, उन्होंने कहना कि ये देखो जी युविका कितनी शांत सी है और रोहिका कितनी अग्रेसिव सी है, छुप क्यों रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सुबह देखा कि कैसे हम अपने लिए लेके आए थे लस्सी भटूरे और कुलचे, खूब खाया और सारी दोपहर सुसाते रहे, सोते रहे। अब शाम को मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास है एक एक्स्ट्रा फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सैमसंग का A22। अभी साल भी नहीं हुआ उसे लिए, तो हमारे पास ऑलरेडी फ़ोन्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सोचा है कि उसको रीसेल के लिए दे दें। तो अभी अभी मैंने उसको रीसेट मारा है, उसकी रीसेट की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा और ऊपर लिंक आ रहा है, वहां से भी आप देख सकते हैं कि सैमसंग A22 को कैसे रीसेट करना है। तो अब निकले हैं कुछ मार्केट से, कुछ परचेजिंग है, कुछ घर का सामान लेना है और ये मोबाइल रीसेल के लिए देना है, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स राशन ले लिया है, राशन नहीं थोड़ा सा सामान था, ये एक मुट्ठी सामान है और
बिल बना है 815। कभी वो भी टाइम था जब 815 में आधी दुकान आ जाती थी। आधी दुकान तो नहीं, महीने का राशन तो आता ही होगा। हाँ, 800-900 रुपये में। और मोबाइल्स जो हैं उनकी रेल्स रीसेल अभी नहीं होगी, जिनको देना था वो थोड़ा सिटी से हटके हैं, वो बोल रहे हैं कि रुक के मैं आऊँगा आपकी कॉलोनी के पास ही आ जाऊँगा और आप जो है मुझे हैंड ओवर कर देना। तो अब चलते हैं आगे। 815 का राशन लेने के बाद अब हम लेने लगे हैं तोरियां, 1 किलो तोरियां। उसकी सब्जी बनेगी। ये तू क्या दिखा रही है बार बार है? रूहिका ने जो लिया वो दिखा रही है। क्या लिया? हाँ ठीक है, तो मैं फ्रूट पकड़ के लाता हूँ सामने से, ठीक है? आप तोरियां खरीदो, फ्रूट लेंगे, मैंगो नहीं लेंगे, एप्पल और बनाना, ठीक है? चलो लेते हैं फ्रूट। फ्रेंड्स देखो, पापा को एक नेल कटर के लिए पूरी रोड क्रॉस करनी पड़ रही है और सब्जी हमने ले ली है। ये देखो बेचारे, ये रही क्या सहना पड़ा, तोरियां तोरियां और साथ में एप्पल्स, सेब, केले केले नहीं मिला। पापा मिल गया नेल कटर, एक नेल कटर लेने के लिए पूरी रोड क्रॉस, जान की बाजी लगा दी रोड क्रॉस करने में। नहीं, बस एक काम रह गया, वो है रीसेल करना मोबाइल का, वो भी हो जाएगा, वो घर से पिक कर लेंगे जिनको बोला है रीसेल के लिए। पहले उनके पास जाना था, अब वो घर पे आएंगे, घर के पास से पिक कर लेंगे, तो उनकी वेट करेंगे। वो भुलक्कड़ से उनको एक बार फिर रिमाइंड कराना पड़ेगा कॉल करके, तो देखें वो अब आते हैं कि कल आते हैं। तो जब भी आएंगे उनको मोबाइल हम हैंड ओवर कर देंगे। पापा, तो ये इधर रख सकते हैं। एक बार मैं यहीं पे आज के व्लॉग को एंड करता हूँ। अगर मोबाइल हैंड ओवर किया तो वो वीडियो लास्ट में ऐड कर दूंगा, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही। ये रहा मेरा आज का डेली व्लॉग। तो अब फिर किसी दिन मिलेंगे, कुछ डिफरेंट सा हुआ आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे मेरे इस चैनल पे। बाय बाय, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स कम विद मी, बाय बाय।